वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीपीओ 2019 का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिए जाने के बाद एसएससी सीपीओ 2019 के एस्पायरेंट्स के साथ साथ एसएससी सीजल 2019 और एसएससी सीएचएसएल के जो एस्पायरेंट्स हैं उन सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और एसएससी सीजीएल 2019 के स्टूडेंट्स उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसका कारण है और जो इसका कारण जो यहाँ पर देखा जाए तो एसएससी लीगली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और एसएससी को एसएससी ने फिर हम कह सकते हैं कि फिर से अपनी मनमानी की है। एसएससी के ऊपर जितना बड़ा केस हुआ उसका एसएससी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और इससे निकलने और ये समस्या को प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही रास्ता है और पूरी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर से अनअकैडमी प्लस के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन तो आप 1 अक्टूबर से पहले ही परचेस कर लीजिए जिससे जो प्राइजेस हैं नहीं तो 1 अक्टूबर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और एसएससी मेड रेफर कोड यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बेस्ट रहेगा प्लान आपके लिए 12 मंथ वाला क्योंकि बाकी सबके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 12 मंथ वाला आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो एसएससी मेड रेफर कोड यूज़ करने पर 10% डिस्काउंट के साथ आपको 4,050 रुपये में ही सिर्फ पड़ेगा। यहाँ पर जितने अभिनय शर्मा सर और पवन राव सर और जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं मुखर्जी नगर के मोस्ट ऑफ सारे टीचर्स आ चुके हैं और सारे सब्जेक्ट आपको पीडीएफ के साथ लाइव रिकॉर्डिंग के साथ जो रिकॉर्डिंग आपकी रह जाएगी वो सब आपको फ्री मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 70+ एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आपके पास सारे ऑप्शन सारे टॉपिक वाइज हर चीज़ कवर की जाएगी। आपको करना क्या है, अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, प्लस में आना, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना, एसएससी एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करके जो सबसे बेस्ट प्लान रहेगा 12 मंथ वाला 6 मंथ वाला उसको सेलेक्ट करके एसएससी में रेफर को यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है अभी एसएससी सीपीओ 2019 का नोटिफिकेशन आने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रूशियल डेट है वो रख दी है 1/1/1 जनवरी 2020 रख दी गई है। और ये जो डेट थी एक्चुअली ये डेट 1 जनवरी 2019 रखी जानी चाहिए थी क्योंकि ये परीक्षाएं 2019 की हैं और वैकेंसी ईयर 2019 की है और नोटिफिकेशन रिलीज करने में देरी एसएससी ने की है। तो आखिर एसएससी की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो डिले हुआ है वो एसएससी के कारण ही हुआ है और जो इसका खामियाजा है आज छात्र को भुगतना पड़ रहा है। एसएससी ने ऑलरेडी जो जूनियर इंजीनियर 2019 का नोटिफिकेशन है मैं उसमें भी यही डेट डाली थी, मतलब 1 जनवरी 2020 डाली थी, पर किसी को भी कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई और एसएससी भी इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। और मैं हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमेशा एकजुट होकर रहिए, सही को सही और गलत को गलत करने कहने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। भले ही आपका दुश्मन सही बात कह रहा हो तो आपको उसके साथ अग्री करना चाहिए और भले ही कितना ही जिगरी आपका दोस्त हो लेकिन वो गलत बात कह रहा हो तो आपको उसको गलत बताना चाहिए। लेकिन आप सभी को अभी एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। आपको एसएससी सीपीओ और सीजीएल और जो सीएचएसएल है और जेई है वो तीनों परीक्षाओं के लिए क्रूशियल डेट को 1 अगस्त 2019 करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए और इसके लिए आप डीओपीटी मिनिस्ट्री में और जो पीजी पोर्टल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवियंस भेज सकते हैं। पीजी पोर्टल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप फिजिकल लेटर भी भेज सकते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा आप ईमेल और पत्र भेज सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी आपके पास वो है पीजी पोर्टल। और पीजी पोर्टल पे कंप्लेन कैसे करनी है इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा एक वीडियो होगा, प्लेलिस्ट होगी हाउ टू कंप्लेन अबाउट एसएससी, तो वहाँ पर आपको एक वीडियो बना मिलेगा पीजी पोर्टल का। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया जिन लोगों को नहीं पता है कि पीजी पोर्टल पर कंप्लेन कैसे करनी है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पीजी पोर्टल पर कंप्लेन कीजिए नहीं तो 1 साल एसएससी आपका बर्बाद कर देगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।